जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल टेक्नीशियन जी में। तो ये 60x60 का लाइट लेके आए हम लोग। ये देखिए, इसका हम लोग लॉक लगा दे रहे हैं। इस लाइट का नाम फोरसेल लाइट है भाई। तो इसका लॉक खोलने के लिए कनेक्शन करना है, तो इसका कवर निकालना पड़ेगा। तो ये लॉक निकाल के कवर, ये देखिए मेरा अंगूठा है, यहाँ पे 20 का होल दिया हुआ है, 25 का होल चाहिए। देखिए अंदर से ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये वायरिंग किया हुआ है चौक के माध्यम से, कंपनी के तरफ से ये सब किया हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे फेस ग्राउंडिंग और न्यूट्रल लगाने के लिए दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है 14 वाट का है, 14 वाट का 4 इसमें लगेगा ट्यूब। तो इस तरह से ये दिखेगा। अभी ये जो अंगूठा दिखाए थे, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 20 का होल है, 25 का होल हमको चाहिए। तो नकआउट से इसको 25 का होल पहले कर लेंगे। तो 25 का होल यहाँ पे हम लोग अभी मार दे रहे हैं नकआउट से, अच्छा से कट जाएगा। इस तरह से लाइट भी ख़राब नहीं होगा, ख़राब करने का पैसा कोई देगा थोड़े। तो ये कट गया। अभी कटने के बाद में 25 का हम लोग कनेक्टर, फ्लेक्सिबल कनेक्टर इसको बोलते हैं, फ्लेक्सिबल में ये कनेक्ट होगा। तो इस तरह से कस देंगे, ये देखिए टाइट कर देंगे अच्छा से चूड़ी इसका। तो अभी इसको लेके चलते हैं हम। अब इस तरह से हो गया, इसमें वायर आएगा। तो अभी चलिए वायर को हम लोग क्या करते हैं, ये ड्राइंग है इसका, देख लीजिए कितने टाइप का सीलिंग होता है। वो सारे टाइप के सीलिंग में इस लाइट को किस तरह से लगाना है वो दिया हुआ है। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं सीढ़ी पे चढ़ के, स्लैब में जो फ्लेक्सिबल वायरिंग किया हुआ है, फ्लेक्सिबल लगा के वो फ्लेक्सिबल टाइल्स हटाएंगे। ये देखिए फ्लेक्सिबल ऊपर है, सीलिंग लग गया ना नीचे, इसलिए फ्लेक्सिबल उतना हाइट पे है। तो अंधेरा है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी हम लोग फ्लेक्सिबल को नीचे कर लेंगे इस तरह से। इसमें वायर डाला रहता है फ्लेक्सिबल में, तो कनेक्शन के लिए जो होल मारे थे उस होल में डालेंगे। चलिए अभी इसको फ्लेक्सिबल को होल के अंदर डालते हैं, कनेक्टर के अंदर डालते हैं और कनेक्ट करते हैं। इसमें लगेगा ये सीलिंग, चारों साइड से 60x60 का है, लाइट भी 60x60 का है। तो इस सीलिंग में लगाना है हम लोग को। ये देखिए अभी वो जो होल मारे थे उस कनेक्टर में वायर घुसा के फ्लेक्सिबल को टाइट कर देंगे। थोड़ा मजबूत होता है फ्लेक्सिबल, हार्ड होता है, इसलिए नहीं घुस रहा है। ये अभी घुस जाएगा, घुस गया। अभी इसको टाइट कर लेते हैं। ये देखिए टाइट हो गया। अब इसको जहाँ से टाइल्स हटाए थे वहीं पे लगाएंगे, इसमें इस तरह से डालेंगे। देखिए इसको डाल देंगे। ये देखिए आ गया, अभी आराम से बैठ गया। अभी इस वायर को काट देते हैं, इस वायर को काटेंगे बरोबर करके। चलिए तो ये लीजिए आपका वायर कट गया है। अभी एक कनेक्टर है, वायर कनेक्टर, इससे वायर कनेक्ट किया जाता है। तो चलिए वायर को हम लोग इसे कनेक्ट करते हैं, छील लेते हैं इसे। छीलने के बाद में देखिए रेड के साथ में कनेक्ट कर दिए हैं इसको भी। ग्राउंडिंग और अर्थिंग बचा हुआ है, तो ग्राउंडिंग और न्यूट्रल बचा हुआ है, तो ग्राउंडिंग न्यूट्रल ऐसे कर लेंगे। उसके बाद इसमें टेप मार देते हैं, इलेक्ट्रिक टेप से टेप मारेंगे। ये टेप लग गया। टेप लगने के बाद में इसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्यूब इसका लगा देंगे। ये देखिए ट्यूब पड़ा हुआ है इसका। तो
इस तरह से इसका ट्यूब चारों का चारों लगा देंगे। देखिए एक लगा, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी ऐसे लगा देंगे। ये देखिए चारों ट्यूब आपका लग गया। थोड़ा अंधेरा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये देखिए चारों ट्यूब आपका लग गया है। अब इसका क्या करेंगे, इसका कवर जो खोले थे वो कवर लगा लेंगे। ये देखिए स्प्रिंग होता है, ये चारों के लिए लाइट में होल दिया हुआ है, ये होल इसी होल में लगा के चारों स्प्रिंग फंसाएंगे। ये देखिए दो फंसा दिए हैं होल में, अभी दो वो दबाने पे लग जाता है आराम से, तो ये भी लग गया। अभी इसको आराम से ऊपर दबाएंगे, ये ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा, स्प्रिंग है। तो इस तरह से आप लोग भी लगा दीजिए, ये आपका इस तरह से दिखेगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।